फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश कुदरे फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर महेश कुदरे यूर्स फ्रेंडली डॉक्टर पे। आज हम NABH में देखेंगे एक नया टॉपिक, हाई रिस्क मेडिसिन प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आज आपको ये टॉपिक सिखाने के लिए मेरे सीनियर फ्रेंड अरविंद ओझा सर हमारे साथ हैं। तो आज का ये टॉपिक कवर करेंगे हमारे अरविंद सर। आई वेलकम अरविंद। हेलो फ्रेंड्स, सो एज पर NABH प्रोटोकॉल आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाई रिस्क मेडिसिन। व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर हाई रिस्क मेडिसिन? मीन्स हाई रिस्क मेडिसिन का प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज दिस सिस्टम? क्या चीज है हाई रिस्क मेडिसिन? हाउ वी डिफाइन हाई रिस्क मेडिसिन? सो लेट अस गो इनटू दिस कि हाई रिस्क मेडिसिन क्या है। सो लेट अस बिगिन विद वन सिंपल स्टोरी। सपोज ये दिस इज वन कॉमन रूम, यहां पे पेशेंट ए है और यहां पे पेशेंट बी है। नाउ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब 6 यूनिट ऑफ इंसुलिन फॉर पेशेंट ए। And what happens कि सिस्टर ज्योति इज assigned, सिस्टर ज्योति को बोला जाता है कि ये पेशेंट को आपको 6 यूनिट इंजेक्शन देना है, यूनिट देना है इंसुलिन। What ज्योति सिस्टर does, इंसुलिन फ्रिज से निकाली, लोड की। Now she is about to enter the common general ward, immediately उसकी फ्रेंड मिलती है उसको और बोलती है, अरे ज्योति, yesterday evening I saw you on that in that restaurant, और आप वो रेस्टोरेंट में थी। तो ज्योति बोलती, yes, कल मेरा बर्थडे था और फिर हम लोग बहुत पार्टी किए, ये किए, दोनों जन एकदम खुश होते हैं। फॉर 30-40 सेकेंड ज्योति फॉगेट्स और वो कल के फ्लैशबैक में चली जाती है, इफोरिया में हो जाती है। एंड नाउ ज्योति कम्स हियर और इंस्टेड ऑफ पेशेंट ए, by mistake she gives insulin to this patient, she gives insulin to this patient. ye ho sakta hai ki nahi? is it possible? this is called medication error, because human being we are bound to make errors, right? so now what happened, jisko nahi chahiye tha insulin usko to aapne nahi diya, to theek hai, जो भी थोड़ा बहुत उसको जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, जो तकलीफ होगा, दैट विल बी ओके। बट नाउ पेशेंट बी का क्या हालत हो सकता है? ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू हैव गिवन इंसुलिन पेशेंट बी को, जिसको नहीं चाहिए था। पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है कि नहीं। लाइफ का खतरा हो सकता है कि नहीं पेशेंट बी को? एंड क्यों हुआ ये खतरा? सिर्फ एक रीजन से हुआ कि हमने, मींस जो सिस्टर ज्योति ने क्या किया, हाई रिस्क मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दे दिया जिसको नहीं चाहिए था। नाउ सपोज ये इंसुलिन नहीं था, इट कुड हैव बीन से नॉर्मल पेन किलर सपोज देने का था। अभी वो सिस्टर सेम, जस्ट विजुलाइज सेम सिचुएशन कि ज्योति इज अबाउट टू एंटर, उसकी फ्रेंड मिलती है और वही डिस्कशन होता है, और अबाउट कल का सीरियल में क्या हुआ था, कैसा हुआ था, दोनों बिग बॉस में क्या था, तो दोनों डिस्कस करते हैं। अब सिस्टर फिर वो कल के फ्लैशबैक में चली गई उसका फेवरेट के बाद, अब वो पेन किलर इंस्टेड ऑफ ए बी को दे देती है। तो यहां पे भी अगेन मेडिकेशन एरर हैज हैपेंड, बट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट केस वाज, यहां पे अभी ये पेन किलर दे दिया है बी को बाय मिस्टेक, तो जान का खतरा हो सकता है क्या बी को? इज इट पेन किलर अगर दे दिया बाय मिस्टेक, कुछ बहुत क्रिटिकल पेशेंट हो सकता है क्या? नहीं। सपोज इंस्टेड ऑफ पेन किलर कोई एक से एंटासिड देना था, रैनाटिडिन देना था, सेम हैपेंस कि पेशेंट अबाउट टू गिव, रूम में जा रही है और इमिडिएटली मैट्रन मैम मिल गई और मैट्रन मैम बोलती है कि नहीं ज्योति सही, कल जो आपने छुट्टी 3 दिन के लिए अप्लाई किया था नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक अर्जेंट अपने यहाँ पे ऑडिट आ गया है या देर इज सम अदर रिक्वायरमेंट, और ऑल ऑफ ए सडन द पेशेंट इनफ्लो इज टू मच एंड यू हैव टू रीड
रीशेड्यूल योर हॉलीडे। अब वो ज्योति थोड़ा टेंशन में है कि अरे ये छुट्टी इतना अच्छा प्लान किया था सब मिस्टेक, नाउ वो अपसेट होके नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग रैंटैक टू ए शी गिव्स रैंटैक टू दिस पेशेंट। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ रैंटैक टू दिस पेशेंट? नथिंग विल हैपन है ना। सो थ्री केसेस वी हैव सीन बाय मिस्टेक पेशेंट बी हैज बीन गिवन ए मेडिसिन, पहला था इंसुलिन, दूसरा से यू कैन से एंटीबायोटिक हुआ या पेन किलर हुआ या रैनेटिडिन हुआ, सो दिस टाइप ऑफ मेडिसिन। नाउ ये पेशेंट ए पेशेंट को ये सब नहीं मिला, इंस्टेड ऑफ बी पेशेंट वॉज गिवन। नाउ जस्ट विजुलाइज कि अगर आपने रैनेटिडिन दिया, पेन किलर दिया दूसरे पेशेंट को, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट इंस्टेड ऑफ दैट इंसुलिन दे दिया, एड्रेलिन दे दिया, एट्रोपिन दे दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, केसुएल हुआ, सोडा बाइकार्ब हुआ, ये सब मेडिसिन जिसको नहीं चाहिए था उसको दे दिया, तो व्हाट हैज हैपेंड, पेशेंट कैन गो इन कोमा ऑल्सो। दीज आर हाई रिस्क मेडिसिन। सो सपोज हमारे सेटअप में वी आर हैविंग सोनोग्राफी ऑल्सो एज वेल एज एमटीपी ऑल्सो, टू लेडीज दे कम, एक को सोनोग्राफी के लिए आई है, दूसरा एमटीपी के लिए आई है, बाय मिस्टेक प्रोस्टुडिन हमने सोनोग्राफी वाले पेशेंट को दे दिया, व्हाट विल हैपन, अबॉर्ट हो जाएगी, तो जान का खतरा हो गया कि नहीं ऐसे केस में? सो हाई रिस्क मेडिसिन वो भी है जो बाय मिस्टेक यहां पे दे दिया। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन इज क्लियर ना। हाई रिस्क मेडिसिन क्या क्या है वो क्लियर हो गया कि दोज मेडिसिन विच वॉज इंटेंटेड टू गिव टू समवन एल्स बट और को देते हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स हो सकता है, सो दोज आर हाई रिस्क मेडिसिन। तो ईच एंड एवरी नर्सिंग काउंटर शुड हैव ए लिस्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्राइमरी चीज क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सेटअप में, बिकॉज एवरी सेटअप विल हैव डिफरेंट हाई रिस्क मेडिसिन, कार्डियक सेटअप का अलग रहेगा, ऑब्स्टेटिक गायनेक का अलग रहेगा, एवरी साइकेट्रिक का अगर सेटअप है तो दे विल हैव डिफरेंट हाई रिस्क मेडिसिन। सो फर्स्ट थिंग लेट अस आइडेंटिफाई द हाई रिस्क मेडिसिन यूज इन आवर सेटअप। सेकेंड नाउ वॉट इज द प्रोटोकॉल, क्या प्रोटोकॉल है हाई रिस्क मेडिसिन देने का? तो सिंपल प्रोटोकॉल है कि हाई रिस्क मेडिसिन इज नेवर टू बी गिवन अलोन। वो लिस्ट आपने जो बनाया है, लिस्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन व्हाट यू हैव मेड, तो इसमें से जो भी मेडिसिन कभी आया आपको, व्हाट यू विल डू इज बिफोर गिविंग टू द पेशेंट, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग टू द पेशेंट, यू विल रीकन्फर्म, यू विल डबल चेक विद डॉक्टर ऑन ड्यूटी, आरएमओ अवेलेबल नहीं है वहां पे वो टाइम पे, तो यू कैन ऑलवेज रीकन्फर्म विद योर सीनियर नर्सिंग स्टाफ, you can always reconfirm with your senior nursing staff. So this case in high risk medicine hamesha double confirm hona chahiye, reconfirm hona chahiye. To ye case mein insulin dene ke pehle suppose jyoti aayi aur jyoti ko dena tha, jo bhi baat hua beech mein koi problem nahi, but before administering wo agar matron ma'am ko bolti ki ma'am ya rmo ko sir this medicine insulin I am giving to patient b, to immediately जिससे हम रिकन्फर्म करवाते हैं उसको तीन चीज देखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज नेम ऑफ द पेशेंट, सेकेंड थिंग डोज, हाउ मच डोज, 6 यूनिट है कि 16 है वो चेक करना, एंड थर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो थ्री थिंग हैज टू बी रिकन्फर्म बाय द रिकन्फर्मर जिससे हम रिकन्फर्म करवा रहे हैं। सो ये केस में जैसे अगर मेट्रन मैम को दिखाते हो बोलती अरे नहीं ये तो बी पेशेंट को नहीं देना है, ये तो पेशेंट ए को देना है, इमीडिएटली चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर रिड्यूसेस। एक आदमी से गलती हो सकता है बट अगर दो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चांसेस एकदम जीरो ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाता है कि नहीं।
सो दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन. अब जो भी रिकन्फर्म करते हैं, इट इज हिज और हर ड्यूटी टू राइट ऑन द मेडिकेशन चार्ट. सपोज यू आर राइटिंग एट 2 PM, यू आर क्रॉसिंग इट की गिवन, सो RMO और the sister should write reconfirmed and sign it. कि means insulin at 2 PM was reconfirmed with me, at 8 PM was reconfirmed with me, reconfirmed. You have to do. So this is the protocol of high risk medicine. I hope the concept is clear. सबको समझ में आ गया होगा high risk medicine क्या है और what is the procedure, what is the protocol to administer the high-risk medicines. Thank you very much. Thank you, students. Friends, आज अरविंद सर ने हमें सिखाया high-risk medicine के protocol. High-risk medicine देते समय क्या precautions लेने हैं, उसका protocol कैसा है, reconfirm policy क्या है, तो सब लोगों ने इसको follow करना है. होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो. ये वीडियो आप सबने एंड तक देखना है. लाइक और कमेंट करना ना भूलिए. और हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.